তো কেমন আছো তোমরা? আমিও তোমাদের মতনই আছি। We all are friends and we all are having a new day, new masti, new journey of life, है ना? आज स्टोरी बुक का पहले पन्ना ओपन करते विद अ कप ऑफ कॉफी। बेटू अपना कुछ कुछ काम के लिए निकल गया, मैंने सोचा कि मैं कॉफी पी लेती हूँ। हो गया हो गया हो गया, आज का गरम गरम अंडा तैयार हो गया। और इसमें कैबेज है, थोड़ा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा हाँ फूल गोभी। मैं भी ढूंढ रही हूँ पजल की तरह, थोड़ा सा अनियन और थोड़ा सा और क्या है, टोमेटो कैबेज। चलो थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिटिल लिटिल। तो थोड़ा थोड़ा आप डालो तो एक अच्छा सा वेजिटेबल ऑमलेट तैयार हो जाएगा। अब हमेशा की तरह जैसे मैं सुबह उठ के स्पैटुला ढूंढती हूँ, मैं अपना स्पैटुला ढूंढ रही हूँ सिंपल दीदी का। सिंपल ढूंढो 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 तो चलो अभी ढूंढो। ढूंढ रही हूँ ना, इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे है, एकदम बोले ना चीटे वोसे आछे तो चलो मैं ये निकाल रही हूँ अपना स्पैटुला। आपने एक चीज नोट किया हो, मेरे में ऐसा होता है बर्तनों में ना, कुछ कुछ बर्तन आपको बहुत कंफर्टेबल रहता है खाना बनाने में। हर जगह पे देर आर सर्टन प्लेसेस वेर यू आर मोर कंफर्टेबल, लाइक यू आर मोर कंफर्टेबल विथ योर स्पेस, यू आर मोर कंफर्टेबल विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक योर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग, यू आर मोर कंफर्टेबल विथ सर्टन क्लोथ्स ऑफ योर्स। कुछ कुछ कपड़े होता है इतना कंफर्टेबल होता है, आपको लगता है नहीं ये सबसे अच्छा है पहनने में, मजा आता है। तो ये जो मजा आता है ना खाना बनाने में भी कुछ कुछ बर्तन मजा आता है ये कितना भी पुराना तवा है जिसमें खाना बनाने में मजा आता है। सो प्लीज ओवरलुक माय तवा, प्लीज ओवरलुक माय स्पैटुला एंड क्या, और कुछ नहीं, बस खाना बनाना है। और ये वाला जो आइटम है ना, मैं कब से सोच रही थी बनाऊं ये पर्टिकुलर डिश, कब से सोच रही थी। पिछली बार स्प्रिंग अनियन सारा वो ऑमलेट में ही कम्प्लीट हो गया, मैंने सोचा नहीं आज तो मैं इसको पकाना है पकाना है पकाना है खाना। तो मैंने इसमें पता है क्या डाली हूँ, थोड़ा सा गार्लिक भी डाली हूँ, और ये आलू से भी बनता है लेकिन मैं बनाई हूँ ये सिंपल वे से विथ बैंगन। आलू अवॉइड करना चाहिए ना, ऐसे भी कर आलू ज़्यादा हो गया। तो ये एक्चुअली क्या है, इसमें बंगाल में ना छोटे छोटे फिश जमन मोरोला माछ दिए हर छोटे छोटो, तारपर आई थिंक शोरी माछ दिए हर, लाटा माछ दिए हर, फिश के साथ भी ये बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो उतना यम्मी टेस्टी माउथ वाटरिंग रेसिपी तो मैं बना नहीं सकती, मैं अपना सिंपल बेसिस में कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी डाली हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन अनियन, और ग्रीन अनियन मतलब स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा ब्रिंजल, थोड़ा ग्रीन चिली, और थोड़ा ब्लैक पेपर डालूंगी, और थोड़ा डाली हूँ गार्लिक, थोड़ा सा टमाटर, बस आधा टमाटर है उसके आधा डाली हूँ। देखो हाँ हमारा तो बोलते हैं ना सिंपल रेसिपी ऑफ लाइफ है, तो इसको अभी थोड़ा सा बांगाई वाले ए दी को दी को रे नी रे चेरे बांधे फिर, ठीक है। तो कम कम में भी तो मन की इच्छा पूरा हो सकता है ना, तो कम में भी अपने मन की इच्छा पूरा करो। और बस आज ऐसे ही से मैंने बोलना तो भूल ही गई, नमक एंड चीनी स्वादानुसार तो ये है। और क्या कहते हैं, कुछ नहीं बस वो एक साबुत मिर्च, ये लो जी ये भी डाल दी चलो कर लेते हैं फटाफट। अभी है टेबल क्लीनिंग की बड़ी है ना, हम लोग फ्रूट्स मतलब मैं सोचती हूँ ये जूस वूस बना के खिला दी, ये टेबल क्लीनिंग की बड़ी है वो कर लेती हूँ, फिर क्या, फिर कुछ नहीं, ये डब्बा फेंकना है, फेंकना नहीं है, पानी डाल के फिर क्लीन कर लूंगी। मसाला वसाला रखने में ना ऐसे डब्बे काम में आता है, वो एक फिंगर से देखो ऐसे डब्बे काम में आता है तो थोड़ा फोटोग्राफी और वीडियो में अच्छा रहेगा, और क्या, और अच्छी अच्छी चीज सोचो, अच्छे अच्छे काम करो और दिन को अच्छे से बिताओ। ये है हमारा क्लास गार्डन का, है ना। चलो अभी ये रख के मैं चलती हूँ, मैं चली मैं कहाँ चली पता है, गो टू माई गार्डन ब्यूटीफुल बालकनी गार्डन। चलो को ना मैं ये दो तीन कपड़े धो दी, ब्यूटीफुल लेडी तो आती है वो तो करके ही जाती है। एंड वी आर इन अवर गार्डन, देखो इधर ऐसे लगाओ या ये ऐसे लगाओ रिंग फिंगर में, है ना, ऐसे करके आ
देखो मेरे फिंगर्स इतना ब्यूटीफुल नहीं है, बट ऐसे करके लगाओ तो फूलों का रिंग कितना अच्छा लगता है। कैसा है दिन देखो बता, सही है ना। अब हम क्या करेंगे पता है, हमको ये जो है ना, ये प्लांट्स जो है ना, ये प्लांट्स को थोड़ा सा नहीं अटक गया है उधर, तो आई एम प्लानिंग टू जस्ट टर्न इट अराउंड। चलो लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। और उधर हो शुरू हो गया। आह आह कितना मस्त मस्त पवन चल रहा है। आह इसको कहते हैं बढ़िया पवन। चलो अभी ये कर लेती हूँ, इसे पहरा दे रहा है अपना अंडा। मैं बोलती हूँ ना, द रेसिपी ऑफ लाइफ इज लिव एंड लेट लिव। ये देखो अंडा दिखाऊं, ये देखो आह ये टूट गया, ये देखो दिख रहा है। इन लोगों ने ये जगह को पर्सनल परमानेंट मेटर्निटी वार्ड बना लिया। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ यार, ठीक है यार, उनका भी तो अपना जिंदगी है ना। एक काम करती हूँ, मेरी ये पत्ती इधर थोड़ा सा, इससे ज्यादा नहीं हिला पा रही हूँ बिकॉज ये डब्बे शब्बे वो हो रहा है और उधर के पत्ते भी फिर ना अटक रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसे करके ढक देती हूँ, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे माने के बाद ये जगह देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम मस्त है ना। चलो प्लांट भी थोड़ा सा सनलाइट में ले जाती हूँ, क्योंकि इसका भी देखो एक आध पत्ते ऐसे सूख रहा है। जैसे ही देखोगे सूखोगे तो इसको फटाफट ले जाना बाहर, और क्या, और सनलाइट लगा लेना। इधर लगा दी हूँ। अगर आप पौधों को रख रहे हो ना तो प्यार से रखने से पौधों को भी आराम मिलता है। आहा फिर से मैं थोड़ी देर बाद आई थी, ये देखो देखो कितना मस्त है पवन। ये है पौधों का दुनिया। चलो ये देखो वो कैसे अपने अंडे पे बैठा हुआ है, देखो ये देखो देखो वो अपने नेस्ट में अपने अंडे पे बैठा हुआ है, अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। हर माँ हर जीव में, हर पापा हर माँ अपने बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट ऑलमाइटी एंड ग्रेट ऑलमाइटी फीलिंग्स है ना। चलो ये तो झर गया, ही निकालने गई तो ये झर गया। चलो अभी ऐसी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कुछ कुछ काम करती हूँ। चलो अब अंदर चलती हूँ यार, मी एंड माई फेमस कुछ कुछ। चलो चलते हैं अंदर। ये ना ये पेपर ओवरलुक करना प्लीज, ये थोड़ा सा ऐसे ही है अभी, इतना मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना अभी, थोड़ा ठीक करना मुश्किल है। पौधे भी मैं इधर सेटल कर दी हूँ इस साइड में, पौधे इस साइड में सजाए हुए थे ना, अभी नहीं है अभी, मतलब थोड़ा सा इधर करके ये जगह थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर कर दी हूँ। चलो चलती हूँ, सच में काम है अंदर यार। ये देखो इसमें दाल बैठ गया, इसमें चावल बैठ गया है ना, पता है आज मन नहीं हो रहा है, कम कम हो रहा है, नहीं मतलब इंसिडेंटली कल का खाना हो गया, तो ये दाल ये चावल और आलू फ्राई कर दूं। तो ये होने दो, तब तक मैं 100 ग्राम भिंडी बना लेती हूँ। तुम बोलता 100 ग्राम भिंडी में नहीं होता कुछ है। ये थोड़ा सा भिंडी तैयार, थोड़ा सा हो जाता है, लौकी है थोड़ा, भिंडी है और क्या है, आलू फ्राई कर दूंगी, हो जाएगा यार, और क्या चाहिए है ना। तो थोड़ा थोड़ा ही है लेकिन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा से भी हो जाता है ना। तो उधर मैं दाल में छौंक दे देती हूँ, ठीक है, आलू मुश्किल से दाल है। लो ये क्रैकल क्रैकल हो जाएगा तो दाल के छौंक रेडी हो जाएगा। इधर तब तक मैं दाल में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दी हूँ तो उसका खुशबू आ जाएगा। ढक के करना चाहिए लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, होता है यार, कैसा बोलती हूँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसी सिंपल सिंपल बात होती रहती है। तो ये है एक सिंपल स्टोरी, एक सिंपल दिन का और एक सिंपल दीदी का। चलो ये मैं अभी छौंक रेडी हो गया, क्रैकल क्रैकल भी ऑलमोस्ट हो गया है। व्हाट आई एम डूइंग इज पहले बंद कर दो है ना, ओके छुट्टी। आप जो छौंक मन है इसमें दे दो, मैं तो ऐसे फटाफट ये छौंक देती हूँ। अब इसको ढक दूंगी तो खुशबू आ जाएगा है ना, इसी से ढक देती हूँ। सच बता रही हूँ आज ना सेकेंड हाफ में मैं सडनली बड़ा लेजी लेजी फील कर रही हूँ, जैसे
जैसे इट्स नॉट कंफर्टेबल, कुछ कुछ तबीयत जैसे लगता है ना ढीला ढीला सा हो जाता है उस तरह से। लाइक क्या करूं, फिर मैंने ना आलू रेडीमेड जो फ्रेंच फ्राइज मिलता है वो लाई हूँ, वो फ्राई कर दूंगी, और थोड़ा बर्गर बन के लिए वो रेडीमेड टिक्की से ना वो कर दूंगी। बिकॉज रियली बिलीव मी, मेरे को सडनली पता नहीं क्यों होता है, होता है यार। आज सुबह बोली थी ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बात होती है, होती है होती है। मे भी थोड़ा सा पिकअप कर जाऊंगी, मे भी रेस्ट, मतलब आई डोंट नो यार, सच मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं खुद ही हैरान हो रही हूँ कि सडनली क्यों लग रहा है मेरे को ऐसे। एनीवे अभी मैं क्या करती हूँ, ये आलू फ्राई कर देती हूँ, और साथ साथ मैं थोड़ा आलू टिक्की भी फ्राई कर दूंगी। एंड माई वर्क बस इतना ही कर देती हूँ, इसमें नहीं हो जाएगा, मैंने सिंपल सिंपल रेसिपी। और ये आधा आधे में रख देती हूँ, और एक दिन सामने आ जाएगा, सारे की एक दिन में क्यों बना। चलो कर लेती हूँ, ये आलू मैं फटाफट डीप फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद वो आलू टिक्की कर दूंगी, हो जाएगा 50 आज का काम कम्प्लीट। कर लेते हैं, देर तक का तक काम कम्प्लीट। आलू का टिक्की बना रही हूँ आज, थोड़ा ऑयल में ही बना रही हूँ, बहुत ऑयल नहीं थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि छाका तेले भाजी में होता है एम उनकी असुविधा है ना। मैं बनिए रखी, मैंने हम बोलूँ ना जो एक्टर सडनली एक्टर क्या बोलूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सडनली एक लेजीनेस हो गया है, तो इसको ओवरकम कैसे करें, ओवरकम तो नहीं कर सकते, तो क्या करूँ। एक काम करती हूँ, अपने आप को प्रश्न कर रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा जो लेजीनेस हो रहा है इसको क्या ओवरकम करूँ, कैसे ओवरकम करूँ, शरीर इतना ढीला ढीला सा क्यों लग रहा है, क्या करें। तो वो क्या करे के जवाब है, फटाफट ये बना के रखो और किचन से अभी छुट्टी करो, दैट इज ओनली सोल्यूशन, कल का कल देखा जाएगा। मेरे दोस्त ऐसे तो पिक्चर बनती है, ऐसे तो पिक्चर के डायलॉग बनते हैं, मेरे दोस्त मेरे यार कल तो कल देखा जाएगा। अभी फटाफट कर लेते हैं यार, ये डायलॉग वायलॉग तो चलेगा नहीं, फटाफट काम कर लेते हैं। देखो सरस्वती पूजा के प्रसाद के साथ आंटी के संतरे था लेकर आई है, बहुत सारे संतरे थे लेकर आई, आंटी बोल रही थी कॉफी पिएगी, मैं बता नहीं मैं संतरे लेकर आई। ये हो गया थोड़ा सा बर्गर के लिए, और ये हो गया थोड़ा सा रात के दाल के साथ आलू फ्राई, बस छुट्टी, और क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा रख दी और एक दिन हो जाएगा, और बस आज के दिन को तो यही पे कंप्लीट करते हैं, नहीं तो घर में कहीं और कंप्लीट करते हैं ना। बोलते हैं ना इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। मैंने आई जस्ट रिमेम्बर दिस डायलॉग दैट ऑल्सो फ्रॉम अ मूवी, क्योंकि आज मैं सोची थी आज का दिन मैं कुछ करूंगी, कुछ ये करूंगी वो करूंगी, इट्स नॉट दैट, सडनली आई स्टार्टेड नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल अ लिटिल। तो जब मुझे अनकम्फर्टेबल लगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना रेस्ट ले लूं, दैट इज द बेस्ट वे आउट, बिकॉज अगर आपकी बॉडी बोल रहा है कि आपकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए तो टेक रेस्ट एंड देन एकदम फ्रेश होके काम करो, है ना। तो उसी चीज को मन में रखते हुए आज के दिन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं मेरे फ्रेंड्स, और मिलेंगे कल एक नया स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी थोड़ा सा डामाडोल हो गया। क्या करे, मेरी भाभी बोलती है ना करे तो क्या करे। तो इसी तरह से आज के डामाडोल वाला स्टोरी लेके बोलते हैं ना जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे कलरफुल फ्लावर्स की तरह हमारी जिंदगी भी बहुत कलरफुल है, कौन से रंग कब खिलेगा पता ही नहीं चलता है। कभी कुछ कलर, कभी कुछ कलर, कभी कुछ, कभी कुछ। सो दीज आर द कलर्स ऑफ लाइफ एंड दीज आर द लिटिल लिटिल व्हाट शुड आई से लिटिल लिटिल वेव्स इन लाइफ, है ना। एंड विद दिस नोट आज के दिन को हम कंप्लीट करते हैं। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, एंड आप लोगों को जिन लोग पहली बार देख रहे हो वो लोग सब्सक्राइब करना, और जो लोग मतलब सब्सक्राइब कर चुके हो वो मत सब्सक्राइब करना, फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज 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 जो लोग पहली बार देख रहे हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोलना सब्सक्राइब करने, और दीदी को आगे बढ़ने की इस जर्नी में
थोड़ा सा हेल्प करो, একটু এই চলার পথে এই সাধারণ দিদিকে একটু সাহায্য করে দিন, তাহলে খুব সুবিধা হবে। কারণ দেখুন, আমি যখন ভিডিওগুলো বানাই খুব ভালোবেসে বানাই, তাই তো? এবার একটু একটু সাবস্ক্রিপশন হলে আমারও তো মনটা ভালো লাগে, বলুন। আর আমাদের এই সুন্দর পরিবারটা আরো বড় হতে পারে। লাভ ইউ অল ওয়ান্স অ্যাগেন, বাই বাই, গুড নাইট, সি ইউ টুমরো মর্নিং, টাটা।